यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यशायाह अध्याय 21। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है कि विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। एलाम चढ़ाई कर, हे मांदे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूं। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मारो, जच्चा की पीड़े हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ रहा हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। जिस सांझ की मैं बाट जो होता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हकीमो, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यू कहा है कि जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। उसने सवार देखे जो दो दो करके आते थे, गधों को और ऊंटों पर सवार, और बहुत ही ध्यान देकर उसने सुना, और उसने सिंह के शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं तो दिन भर खड़ा पहरा दे रहा और मैंने हर रात पहरे पर काटी, और क्या देखता हूं कि मनुष्य का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और फिर वह बोल उठा कि बाबुल गिर पड़ा और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाए हुए और हे मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। दुमा के विषय भारी वचन। शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है कि हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? पहरुए ने कहा कि भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बटोहियो के दलो, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तो तलवारों के सामने से बरन नंगी तलवारों से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यो कहा है कि मजदूर के वर्षों के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा विभव मिटाया जाएगा और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है।